हाउंटिंग ऑल की रोमांचक वीडियोस के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं अर्बन लेजेंड्स का और एक नया एपिसोड। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगता है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। आज का हमारा अर्बन लेजेंड्स का नया वीडियो है कोरिया के अर्बन लेजेंड्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 10 कोरियन अर्बन लेजेंड्स से। द एलिवेटर मर्डरर। कहानी के अनुसार एक दिन 19 साल की एक लड़की हरुको जब अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट से घर जा रही थी, तब अचानक से एक हाथ आया और उसने लिफ्ट को रोका। एक बहुत ही आकर्षक लड़का लिफ्ट के अंदर आया और उसने 13th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 13th फ्लोर पर रुकी, उसने अपने हाथ से चाकू निकाला और हरुको की तरफ देखकर हंसने लगा और उसने कहा, ऊपर मिलते हैं। हरुको अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगी, लेकिन लिफ्ट बार बार 13th फ्लोर पे ही रुक रही थी। आखिरकार हरुको को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरियन लोग इस बात को सच मानते हैं और कहते हैं कि इसीलिए उसके बाद लिफ्ट में स्टॉप का बटन लगवाया गया। ह्यूमन फेस डॉग। यह एक सालों पुरानी कोरियन कहानी है जिसके मुताबिक कई लोगों ने इंसान की शक्ल वाले कुत्ते को देखा है। 1970 से कई लोगों की यह आप बीती है कि जब वह रात के समय नीचे टहलने निकले, तब उन्होंने किसी को बात करते हुए सुना। जब वो पलटे, तब देखा कि वहाँ कोई न था। जब उन्होंने ध्यान देकर सुनने की कोशिश की, तब पाया कि एक इंसान की शक्ल वाला कुत्ता वहाँ खड़ा है। कहते हैं कि जिनके कर्म बहुत ही बुरे होते हैं, उन्हें इस तरह का आधा इंसान और आधा कुत्ते का शरीर मिलता है। द हॉलोड आइट वूमन। नॉर्थ सियोल की ये कहानी गोयांग टू पाजू से जोड़ने वाले जरायो ब्रिज के बारे में है। यह हाईवे दुर्घटना के लिए काफ़ी मशहूर है। ड्राइवर्स के मुताबिक उन्हें कई बार सनग्लासेस पहने हुए एक औरत रास्ते के किनारे दिखाई पड़ती है। नज़दीक जाके देखने पे पता चलता है कि उस औरत ने सनग्लासेस नहीं पहने हैं, बल्कि उसकी आंखें छेद करके निकाली गई हैं। सोल स्टीलिंग ड्रीम्स। कोरियन लेजेंड्स के मुताबिक मरे हुए लोग सपने में आना एक बुरा शगुन है, अक्सर जब वो किसी पानी के संपर्क में हो। माना जाता है कि जब आपका कोई मृत आपको सपने में अपनी तरफ बुलाता है और आप उसे आलिंगन देते हैं, तो वह आपकी रूह को अपने साथ ले जाता है। द वर्जिन गोस्ट। वर्जिन गोस्ट नामक लेजेंड्स कोरिया में बहुत ही मशहूर है। कहानी के अनुसार काले लंबे बाल वाली एक लड़की अपना भयानक चेहरा अपने बालों से छुपाती है। जब वह आपके आसपास होती है, तब मौसम में अचानक ठंड बढ़ने लगती है। वर्जिन गोस्ट पर कई सारी कोरियन मूवीज भी बनी हैं। द सिसम सीड बाथ। कहानी के अनुसार एक बार एक कोरियन लड़की ने सीसम सीड यानी तिल के बीज से नहाने के बारे में सोचा। उसने बाथटब में उन सीड्स को भिगोया और अपना रूप निखारने के लिए घंटों तक उसमें नहाती रही। जब उसकी माँ को कई घंटों तक वह दिखाई नहीं दी, तब वह परेशान हो गई। जब उसने बाथरूम में देखा, तब वह चौंक गई। लड़की की त्वचा में तिल के बीज अंदर तक घुस गए थे और उनकी जड़ें निकल रही थी और वह लड़की एक एक करके टूथपिक से उन्हें निकाल रही थी। वह दृश्य बहुत ही डरावना था। कॉकरोच फेशियल मास्क। अर्बन लेजेंड्स के अनुसार एक युवा लड़का जब अपने चेहरे पर मुहासों की वजह से परेशान था, तब उसने किसी से सुना कि रात को सोते समय तकिए पे कॉकरोच रखकर सोने से मुहासे जल्दी से ठीक हो जाते हैं। अपनी परेशानी से छुटकारा पाने की इजाद में बिना कुछ सोचे उसने कॉकरोच पकड़ पकड़ के अपने तकिए के ऊपर रख दिए और उस पे सो गया। अगले दिन कुछ अजीब घटना हुई। उसके सारे मुहासे तो गायब हो गए। वह खुश होकर जब स्कूल गया, तब कुछ देर बाद आईने में उसने अपने चेहरे पर कुछ अलग बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि
कॉकरोच ने उसके मुहासों के छिद्रों में अंडे डाले हैं और उसका पूरा मुंह उन अंडों से भर गया है। फेटल टैन। एक कहानी के अनुसार शादी के दिन और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए एक कोरियन लड़की अपने आप को थोड़ा टैन यानी अपनी त्वचा का रंग थोड़ा सांवला करना चाहती थी। सलोन में जब वह ट्रीटमेंट करवा रही थी तब उसे यह सूचना दी गई कि उसे सिर्फ 30 मिनट के लिए यह ट्रीटमेंट करवाने की अनुमति है। टैन के बाद अपने रंग में ज़्यादा फर्क ना पाकर वह उदास हो गई और सलोन वालों की बात ना मानकर वह उसी दिन 4 अलग अलग सलोन में गई और वहाँ उसने वही ट्रीटमेंट करवाई। यह ट्रीटमेंट वह लगातार 4 दिन तक कराती रही। उसका रंग हल्का लाल हो रहा था, फिर भी अपने शादी के दिन खूबसूरत दिखने के सपने देखकर वह उस बात को अनदेखा कर रही थी। आखिरकार शादी के दिन उसके अंदरूनी सारे अंग जल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मूल ग्विशीन द वाटर गोस्ट। कहते हैं कि नदी या तालाब के किनारे जब भी आपको कोई अस्वाभाविक सी चीज़ दिखे तो उसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए या उसके करीब नहीं जाना चाहिए। वाटर गोस्ट एक ऐसी आत्मा होती है जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई हो। यह अतृप्त आत्माएं आपको अपनी तरफ बुलाती हैं ताकि उन्हें अपना अकेलापन दूर करने के लिए कोई साथी मिल जाए। जब भी पानी में कोई काली चीज़ आपको शाम के वक्त तैरती हुई दिखाई दे तो वह ज़रूर ऐसी ही किसी वाटर गोस्ट के बाल हो सकते हैं जिनको छूने के बाद वह आपको भी पानी में खींच लेंगी। द कॉर्नर गेम। एक कोरियन कहावत के मुताबिक अगर गलती से सोने से पहले आप अपने रूम के सीलिंग के चारों कोनों को देखकर सोए तो वहां से प्रेत आत्मा जागरूक होकर आपके घर में प्रवेश कर सकती है। इस कहावत को लेकर कोरियन लोगों ने भूत प्रेतों को बुलाने के लिए कॉर्नर नाम का एक गेम ईजाद किया है। इस गेम के रूल्स के मुताबिक 4 लोगों को इस गेम को खेलने की अनुमति होती है और गेम के आखिर में आप जिंदा रहेंगे या नहीं ये आप वह गेम के नियम कितनी अच्छी तरह से पालन करते हैं उस पर निर्भर करता है।